नमस्कार दोस्तों, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को US के 3 दिन के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर रवाना होने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी वहां हो आए हैं, उनको जो करना था वो कर आए हैं। क्यों करने गए थे, क्या करने गए थे, ये भी उनका मकसद सामने आ चुका है। लेकिन केवल राहुल गांधी नहीं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वहाँ रायता फैलाने की इच्छा रखते हैं। जॉर्ज सोरोस, जिसने कहा है कि मैं 8,000 करोड़ रुपया भी खर्च करने को तैयार हूँ, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से इस सीट पर आने से रोकने के लिए। इसके अलावा ISI यानी पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी पाकिस्तान पेट में भी बहुत बुरी मरोड़ इस समय उठी हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी मीडिया देखें तो, हिंदुस्तान का मीडिया देखें तो, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, चीन में भी, हर जगह पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें इस समय बिल्कुल एकदम छाई हुई हैं। उसकी दरिद्रता को लेकर के, उसकी गरीबी को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के, यहाँ तक के जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनके जो दाम आसमान छू रहे हैं, और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की जो हालत है। इसके अलावा IMF जो है पिछले 8 महीने से उसको टरका रहा है, उसे नया कर्ज देने को तैयार नहीं है। चीन भी एक सीमा तक मदद कर रहा है, तो ऐसे में भारत के साथ तो उसकी तुलना की भूल ही जाइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जिस तरीके से भूमिका बढ़ रही है, इधर G20 देशों की अध्यक्षता भारत के पास है, SCO समिट भी भारत में ही होने जा रही है, इस सब को लेकर के भी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इधर रुतबा बढ़ रहा है, पूरे विश्व में पूछ बढ़ रही है। 2-3 घटनाएं जिसकी चर्चा पाकिस्तान के भीतर भी हुई है, उनमें एक तो जो अभी जापान के हिरोशिमा में बैठक हुई थी G7 देशों की, जिसमें भारत विशेष आमंत्रित था, वहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चल कर के प्रधानमंत्री के पास आए और उनसे कहा कि आप नहीं जानते आप अमेरिका में कितने लोकप्रिय हैं, 22 जून को जो व्हाइट हाउस में आपके सम्मान में हम डिनर आयोजित करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिफारिश से लड़ा रहे हैं कि हमें भी मोदी जी के डिनर में शामिल किया जाए। उन्होंने हंसते हुए यहाँ तक कह दिया कि मुझे भी आपके ऑटोग्राफ की दरकार है। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करते समय उनके पैर छुए और आशीर्वाद मांगा, ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उन्हें बॉस कहा। इसके अलावा भी ऐसी अनगिनत घटनाएं इधर हुई हैं जिनकी वजह से न केवल भारत बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता, स्वीकार्यता और जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो बढ़ती हुई जा रही है। अभी हाल में उनके अमेरिका दौरे से पहले वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी का आना, वहाँ के NSA का भारत का दौरा करना, ये दर्शाता है कि मोदी के इस स्टेट विजिट को यादगार बनाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, और ये चीज़ें पाकिस्तान को पच नहीं रही हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को नहीं पच रही है। राहुल गांधी जो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पच पा रही है। और अब जानकारी मिली है कि ISI ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है, मोदी नॉट वेलकम, ये हैशटैग वहाँ चलाया जा रहा है अमेरिका में और दुनिया के दूसरे देशों में भी। पिछले दिनों ISI ने वहाँ खालिस्तानियों की एक मीटिंग की है, कुछ और ग्रुप्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़
बयान दागते रहते हैं, विरोध का एक बहाना तलाश करते रहते हैं, और एक पूरी लोबी वहाँ पर काम करती है जो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय उनको अमेरिका का वीज़ा दिए जाने का विरोध करते आ रहे थे। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचने से पहले ही एक माहौल बनाया गया है, एक योजना तैयार की गई है। ख़ास तौर से इसमें पाकिस्तान की ISI अब पूरी तरीके से खुल कर के सामने आ गई है, जिस तरीके से उसने मीटिंग की है, जिस तरह ये एजेंडा तैयार किया है कि कहाँ कहाँ किन किन बिंदुओं पर किस समय उनका विरोध करना है, सड़कों पर आना है, झंडे लेने हैं, पोस्टर बैनर लेकर के प्रदर्शन करने हैं, उन पर क्या लिखा जाना है, ये सारा जो एक टूल किट है ये तैयार कर लिया गया है। और इनकी परेशानी बढ़ने की एक बड़ी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी दूसरे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनको अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनको व्हाइट हाउस में दूसरी बार स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया गया है और उनके सम्मान में डिनर होस्ट किया जा रहा है, जिसमें करीब 7,000 तो भारतीय मूल के लोग ही शामिल होने वाले हैं, और भी डिग्निटीज़ अलग अलग देशों की होंगी। अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तमाम जो हस्तियां हैं वो वहां रहेंगी। तो ये इस समय फटे हाल पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही वहाँ टूल किट तैयार कर दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग अब जगह जगह मोदी नॉट वेलकम #टैग करके प्रदर्शनों की तैयारी चल रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ISI के इशारे पर नाचते हैं, जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर भी नृत्य करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे भारत में तो लगातार धरने, प्रदर्शन, जंतर मंतर से लेकर के और जो 13 महीने का 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चला था, वो मतलब एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन भारत के बाहर भी, यानी पाकिस्तान में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, एक पूरी जमात है, और ख़ास तौर से खालिस्तानी जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, खालिस्तानियों के पीछे भी एक्चुअल में ISI की फंडिंग है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में अगर मोदी के वहाँ पहुँचने से पहले ही इनकी जो बौखलाहट है, इनके जो पेट की मरोड़ है, वो सामने दिखाई देने लगी है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के US दौरे को लेकर के परेशानियाँ किस हद तक बढ़ रही हैं। इनकी परेशानी की वजह और भी है। UN में एक विशेष आयोजन में प्रधानमंत्री योग दिवस के मौके पर शामिल होने वाले हैं। इसके बाद जब वो वॉशिंगटन जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं, उसकी ज़मीन पहले ही तैयार कर ली गई है, और विशेषकर जो रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए सौदे हैं उन पर सिग्नेचर होने हैं। बहुत लंबे समय से वैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड का एग्रीमेंट होना है, समझौता होना है, वो भी अटका हुआ है। पता नहीं इस दौरे में वो सिरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, उसकी संभावना कम है, लेकिन रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए जो सौदे हैं और जो उनकी तकनीक अब भारत को देने के लिए US तैयार हुआ है, उससे केवल पाकिस्तान और यूरोपियन कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि चीन भी, रूस भी परेशान है अंदर से, लेकिन रूस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो, उसकी परेशानी तो इस समय सिर चढ़ करके बोल रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।